हे गाइस, वेलकम टू ऑल अबोर्ड। सो ये एसएससी विजय है और आज हम इसमें कराएंगे टॉप 100 मई करंट अफेयर्स। जो मई के करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट, वो तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। और करंट अफेयर्स आपके सिर्फ एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स के लिए नहीं, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, बी एड बैंकिंग, बी एड इंश्योरेंस और बी एड एनी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जनरल करंट अफेयर्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनमें से किसको अपॉइंट करा गया है डीजी, दैट इज डायरेक्टर जनरल एएसआई के, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो वो है उषा शर्मा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो उषा शर्मा है उनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अंडर 5 डेथ्स इन 2017। 2017 का अगर हम डेटा की बात करें तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें रिकॉर्ड आया है हाईएस्ट अंडर 5 डेथ का, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी, यूपी। ठीक है, तो यूपी वो स्टेट है विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अंडर 5 डेथ्स इन 2017। अगला देखिए। विच जोन ऑफ द रेलवे पार्टनर विद पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिकअप पार्सल टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इनमें से रेलवे का कौन सा जोन है जिसने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें वो क्या करेंगे, डोर डिलीवरी करेंगे, मतलब डोर टू डोर जाके डिलीवरी करेंगे और पार्सल को पिकअप करेंगे। ठीक है, लोगों को लॉकडाउन में हेल्प करने के लिए, बिकॉज यू नो कि लॉकडाउन में लोग अपने घरों से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो इस तरीके से वो हेल्प करेंगे, तो वो है सदर्न, सदर्न रेलवे जोन, ऑप्शन सी। अगला देखो। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया को कितना अमाउंट प्रोवाइड, कितने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करा गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, सो वो है $1 बिलियन, ऑप्शन ए, $1 बिलियन। अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड होप फॉर एम्प्लॉयमेंट यूथ टू गेट जॉब्स, अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स। इनमें से किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है होप, जिसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, उनको जॉब्स मिलेंगी। ठीक, तो दैट इज उत्तराखंड, ऑप्शन डी। तो जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है होप। ब्रेक्स इंडिया हैज प्लान टू मेक वेंटिलेटर्स टू फाइट कोविड। ब्रेक्स इंडिया जो कंपनी है उसने प्लान करा है कि वो वेंटिलेटर बनाएगी कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो आपको बताना है ब्रेक्स इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेट जायंट्स। इनमें से किस कॉर्पोरेट जायंट की सब्सिडरी है ब्रेक्स इंडिया, तो वो है टीवीएस ग्रुप, ऑप्शन ई, टीवीएस ग्रुप। अगला देखो। नाओमी ओसाका बिकम्स द वर्ल्ड हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट। नाओमी ओसाका जो है वो वर्ल्ड की हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट बनी है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज शी रिलेटेड टू, वो इनमें से किस खेल से एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, सो वो रिलेटेड है टेनिस से। ठीक है, ऑप्शन डी, टेनिस। ठीक है, और ये जापान की है, नाओमी ओसाका जो है ये जापान की टेनिस प्लेयर है। अगला देखो। द हाई लेवल पैनल इज फॉर्म टू रेकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। एक हाई लेवल पैनल है वो फॉर्म हुआ है जो कि रेकमेंड करेगा रिफॉर्म्स को इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में। हु इज द हेड ऑफ दिस पैनल, आपको बताना है किस इस पैनल के हेड कौन है, सो द हेड इज राजेश भूषण, ऑप्शन सी। तो राजेश भूषण जो है वो इस पैनल के हेड है। अगला देखो। द ईयर 2020 इज कॉल्ड एज द सुपर ईयर फॉर, जो ईयर 2020 है वो सुपर ईयर बोला गया है इनमें से किस चीज को, तो इट इज कॉल्ड एज द सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन ए। ठीक है, 2020 हमारे लिए काफी मतलब बहुत ही सारी चीजें अजीब अजीब सी हो रही हैं इस ईयर में, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। सो आई जस्ट विश कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे और प्लीज अपना और अपने साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके फैमिली लोग हैं, उनका भी आप प्लीज अच्छे से ध्यान रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह इस टाइम बिहेव करना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से किस स्टेट का इनिशिएटिव है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सो वो है छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अगला देखो।
वॉट वॉज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई? इनमें से क्या थीम था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो कि कब मनाया गया? 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो इसका थीम था, इसका विषय था आर सोल्यूशन आर इन नेचर, ऑप्शन सी आर सोल्यूशन आर इन नेचर। अगला देखो, Which of the following schemes was launched in Ranchi recently to transfer migrant workers? जो migrant workers हैं, क्योंकि अभी lockdown चल रहा है तो उनको मिल नहीं पा रही हैं चीजें जाने के लिए, ट्रेन वगैरह तो अभी स्टार्ट हुई है, ट्रेन और फ्लाइट्स, उससे पहले वो जा नहीं पा रहे थे अपने घरों में, तो रांची ने एक ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचाने के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्कीम लॉन्च की। तो उस स्कीम का नाम आपको बताना है, तो स्कीम का नाम है तत्पर, ऑप्शन ए तत्पर। अगला देखो, मी अन्नपूर्ण प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये जो मी अन्नपूर्ण प्रोग्राम है वो इनमें से किस स्टेट से एसोसिएटेड है, किस राज्य से एसोसिएटेड है? तो वो है महाराष्ट्र से, ऑप्शन ई महाराष्ट्र। Amazon, the e-commerce giant, has recently ventured upon the food delivery business as well. Amazon जो है, जो कि आपको पता ही है कि ये बहुत बड़ी e-commerce कंपनी है, तो उसने अभी क्या करा है, उसने अपनी एक नई चीज खोली है, दैट इज फूड डिलीवरी। उसने अपना एक फूड डिलीवरी का भी बिजनेस खोल लिया है, जैसे कि स्विगी और जोमैटो है उस टाइप का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इट इज गोइंग टू बिगिन द ऑपरेशन विद? तो इनमें से किस सिटी से, कौन से शहर से वो ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है? सो दैट इज बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग द सिटीज विच वर रिसेंटली अकॉर्डेड विद द 5-star गार्बेज फ्री टैग? इनमें से कौन सा सिटी नहीं है जो कि, जिसको 5-star गार्बेज फ्री टैग का स्टेटस मिला है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शहर नहीं है, तो वो है पुणे, ठीक है, ऑप्शन डी। 6 शहरों को 5-star गार्बेज फ्री टैग मिला है, ठीक है, और वो 6 स्टेट कौन कौन सी हैं? अंबिकापुर, इंदौर, नवी मुंबई, मैसूर, और 2 स्टेट हो गई आपकी गुजरात की, जो है एक राजकोट, सॉरी 2 सिटी हो गए गुजरात के, एक है राजकोट और एक है आपका सूरत, ठीक है। टोटल 141 को मतलब रेटिंग मिली है, टोटल 141 सिटीज को, जिनमें से जो 70 सिटीज हैं, ठीक है, 70 सिटी को 1-star रेटिंग मिली है, ठीक है, और बाकी 6 सिटी को यू कैन सी 5-star रेटिंग मिली है, ठीक है। अगला देखो, सुकून विच वॉज फॉर्म टू डील विद द COVID-19 स्ट्रेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सुकून जो कि फॉर्म हुआ था COVID-19 का, जो ये स्ट्रेस है उससे डील करने के लिए, वो इनमें से किस स्टेट का इनिशिएटिव था, मतलब किस राज्य ने ये शुरू किया सुकून? सो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ई, ठीक है, क्योंकि COVID-19 टाइम चल रहा है, पीपल आर सो स्ट्रेस्ड, तो आई जस्ट विश कि आप लोग प्लीज अपना को भी स्ट्रेस में मत लाइए, अपनी फैमिली को भी नहीं लाइए, प्रिकॉशन सारे लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस रहने से आपको पता है इसके सिम्टम नॉर्मल फ्लू जैसे हैं, तो अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो भरोसा नहीं आपका तबियत खराब हो जाए, फीवर हो जाए और आपको लगे कि मुझे वायरस हो गया, ठीक है, सो डोंट डू दिस थिंग, ओके, तो यू नीड टू बी स्ट्रेस फ्री राइट नाउ। अगला देखो, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द चाइनीज ओन कंपनी टिकटॉक? टिकटॉक जो हालांकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, जिसका गूगल रेटिंग आपको पता है, प्ले स्टोर रेटिंग बिल्कुल गिर चुका है, बाकी आप लोगों को इसके बारे में पता ही है व्हाई इट इज इन न्यूज वैसे, तो इनमें से किसको अपॉइंट करा गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि एक चाइनीज ओन्ड कंपनी है टिकटॉक, ठीक है, तो कौन बने हैं? वो है केविन मेयर, ऑप्शन बी केविन मेयर, ये बने हैं नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज डेवलप द रोबोटिक डिवाइस नेम्ड रेल बोट टू असिस्ट इन पेशेंट्स केयर इन हॉस्पिटल? इनमें से रेलवे ने, कौन से रेलवे ने एक रोबोटिक डिवाइस डेवलप की है जिसका नाम है रेल बोट, जिसमें वो क्या करेंगे, वो असिस्ट करेंगे इन पेशेंट्स केयर इन हॉस्पिटल, ठीक है, सो दैट इज साउथ सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन डी साउथ सेंट्रल रेलवे। अगला देखो, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड बी डे 2020 दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of May? हर साल 20 मई को आपका वर्ल्ड बी डे होता है, तो आपको विषय बताना है, थीम बताना है वर्ल्ड बी डे 2020 का, 2020 का, सो दैट इज बी एंगेज्ड, ऑप्शन डी बी एंगेज्ड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हसमुख आध्या हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू रिवाइव द पोस्ट कोविड इकोनॉमी? जो कोविड
इकोनॉमी है वो हमारी कहीं ना कहीं कम हो गई है, ऑब्वियसली कोविड के चक्कर में, क्योंकि सारी चीजें बंद है, सारे जितने भी स्टार्टअप हो गए, वेंचर हो गए, जितने भी सेक्टर हो गए, सभी नीचे गिरे हुए हैं अभी थोड़े से, ठीक है। तो पोस्ट कोविड इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इनमें से किस स्टेट ने किसकी चेयरमैन, हसमुख आदिया की चेयरमैन के शब्द के अंदर एक कमिटी फॉर्म की है, तो आपको बताना है वो स्टेट कौन सी है। सो दैट इज ऑप्शन सी। अपनी इकोनॉमी को देखने के लिए गुजरात ने ये कमेटी फॉर्म की है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आपका पार्ट वन यही खत्म होता है। कल के सेशन में हम लोग इसी का ही पार्ट टू लेकर आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सेशन। 9 AM आपका GA का क्लास होता है सुबह 9 बजे, ठीक है। सो डू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। Do take care of yourself. I'm again and again saying, be a responsible citizen right now.